तो अभी बजे हैं 11:30। तो मैं उठ गई हूँ और अभी हम कर रहे हैं पैकिंग। हम जा रहे हैं अपने विलेज। चले हरिद्वार के इंदावा लाते हैं कुछ बाहर से, तो देखते हैं आज पापा क्या लाते हैं। तो बाबा हलवा पूरी लेके आए और हमने नाश्ता किया। गाइस हम लोग अभी नहा धो के तैयार होकर मिलते हैं। तो गाइस मैं भी तैयार हो गई, मेरे दोनों भाई भी तैयार होते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं विलेज के लिए। तो तो गाइस यहाँ पर लाइट चली गई थी और मिलाद हमजा गाड़ी से खेल रहे थे। ये लोग तो लगता है आज गाड़ी तोड़ के ही दब लेंगे। 6.5 hours later। गाइस तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और पूरा गांव सोया हुआ है। तो हमने सोचा अच्छा मौका है गांव को एक्सप्लोर करने का। लास्ट टाइम की वीडियो में हम पूरा गांव एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो इस बार हम लोग जल्दी उठ गए ताकि हम आपको अपने सब्सक्राइबर्स को पूरा गांव घुमाएं। तो फिर चलें। तो कैसा लग रहा है आपको सुबह का गांव का मंजर? मुझे तो अभी देखो तो कौन सा परिंदा मुझे नजर आ रहा है। मामा मुझे तो ये कोयल लग रही है। ये देखो मामा मुर्गा कितना तेज भाग रहा है। इसकी तो काफी देर से आवाज आई थी, कुकु। देखिए गांव के बकरे कितने सुकून से बैठे होते हैं, ना गले में रस्सी है ना कुछ है। तो गाइस हमारी चाची उठ चुकी हैं और वो हमारा नाश्ता तैयार कर रही हैं। और नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान है नीचे बाग में जाने का। तो हमारा गांव है पहाड़ों के ऊपर और बागात है पहाड़ों के नीचे। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा गांव की, कि हमने ऊपर से ही बागात की वीडियोस बनाई हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाग की तरफ। और गाइस यहाँ का रास्ता इतना ऊपर नीचे था और कांटे भी बहुत थे, लेकिन फिर भी हम हिम्मत जुटाकर नीचे आ ही गए। और ये दोनों हैं हमारे कज़न जो हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ आए। इंटर होते ही बड़े बड़े आम के दरख्त थे। यहाँ पर किसी को भी ऐसा आने की परमिशन नहीं है, मगर हमारे बाबा ने स्पेशली हमारे लिए इजाज़त दी थी, क्योंकि पैर लगते हैं, फसलें ख़राब होती हैं। तो यहाँ पर हम केरियाँ वगैरह पपाया ट्यूबवेल के पानी से धो रहे हैं। जो फल पक जाते हैं दरख्त पे, वो फिर दरख्त से गिर जाते हैं। हमें अंकल ने कहा था कि गिरे हुए फल से आप जो भी उठाना चाहो आप उठा लो, हमें इस चीज़ की परमिशन दी थी। और जीशान ले आया है शरीफ, आज अभी तैयार नहीं हुआ। ये नींबू है और ये शरीफ का बच्चा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। एक आम के दरख्त के पास हमें काफ़ी सारी केरियाँ गिरी हुई दिखी, तो वो हम उठा रहे हैं और इसे अपने साथ लेके जाएंगे। उमामा का भी हाथ जा रहा है और आम का दरख्त पूरा नीचे तक भरा हुआ है। और अब उमामा ऊपर बैठ के रील्स बनवा रही है, पिक्चर्स ले रही है। इसकी टहनियाँ नीचे तक फैली हुई हैं और साथ साथ मामा केरियाँ खा भी रही है। ऊपर से पानी, अब तो गला आपका लाज भी ख़राब होना है मामा।
यहाँ पर मुझे एक परिंदा नजर आ रहा था और यहाँ के लोग इसे विटविटी कह रहे थे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है। ये देखें इसके अंडे, इसने 4 अंडे भी दिए हुए हैं। हमने पूरा थैला भर लिया है और गांव में जाके इसके हिस्से होंगे। ये देखें कितने बड़े बड़े आम के दरख्त हैं। और ये मुझे बड़ा वाला आम नज़र आया, इसकी भी मैंने वीडियो। अब सारे बच्चे ट्यूबवेल में जंप मारना शुरू हो गए और हब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगता है आज बारिश भी होगी। और मेरे दोनों कज़न्स रेसिंग लगा रहे हैं कि कौन ज़्यादा देर पानी में रह सकता है। इतनी देर तक ये निकला नहीं तो वहाँ वहाँ डर गए, उसको खींच के बाहर निकाला। और अब अलीशान पाइप में जा रहा है, जाके ज़मीनों से निकलेगा। चलो सारे बच्चे बाहर आओ, अभी घर चलते हैं, जल्दी करो। उमामा बाबा के डर से यहीं पे खड़े होकर कपड़े सुखा रही है। और मिलाद हमें बुलाने आ गया। चलो मिलाद, मिलाद ये रास्ता नहीं है, इधर आओ, इधर चलो जल्दी। तो चले अब फिर से चलते हैं केटू का पहाड़। या अल्लाह अब कैसे चलेंगे, अब तो टांगे दर्द हो रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हम ऊपर आ गए, ये हमारे चाचा का घर नजर आ रहा है। हमने कपड़े चेंज कर लिया, हम लोग निकल चुके हैं पप्पो के घर के। तो पप्पो के घर के पास एक छोटा सा तालाब, तो यहाँ पर हमने आ गए थे और पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। और अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी थी और हमसे मछलियों से बहुत डर रहा था। गाइस ये देखिए अभी बारिश का मौसम हो रहा है, अल्लाह करे बारिश हो जाए। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, हम लोग आते हैं बारिश का मौसम होता है मगर बारिश नहीं होती, आज अल्लाह करे बारिश हो जाए। अभी हम फूफो के घर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। अब इस बीच बारिश हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। देखिए मौसम कितना प्यारा हो गया, मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। देखिए कितने काले काले बादल हो गए और शाम में ही ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है। तो फाइनली फूफो के घर पहुँच गए हैं। तो पहुँचते के साथ ही शुरू हो गई है बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उमामा मेरी दुआ तो कबूल ही हो गई। मगर फूफो ने हमें ज़्यादा देर तक पानी में नहाने नहीं दिया, कह रही थी कि हम बिजली करने का ही हमारा डर लग रहा है, बारिश रुकेगी तो हम घर रवाना होंगे। तो ये आखिरी क्लिप, हम इसके बाद सो गए थे और आँख खुली तो हम घर पे थे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? तो हमारे चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे। अल्लाह हाफिज़।